हेलो दोस्तों। तो बच्चों, इसके पहले हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था और बच्चे हमने कहा था कि सर ब्लड ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप है वो आपका चार प्रकार का है, ए बी ओ। और हमने बच्चे ये भी बताया था कि कैसे आप किसी के खून के सैंपल को लेकर के आसानी से 4 से 5 मिनट या बहुत होगा 7 मिनट में आप किसी के भी खून को आसानी से जांच करके बता दोगे सर आपका ब्लड ग्रुप ये वाला है। बस आपको क्या चाहिए बच्चे, सर थोड़ा सा ब्लड का सैंपल और क्या चाहिए, एक माइक्रोस्कोप और एक शीशे का स्लाइड, और अगले 7 से 8 मिनटों में आप आसानी से उसके ब्लड ग्रुप को बता सकते हो। हम जैसे लोग बच्चे 2 से 3 मिनट में बता सकते हैं, लेकिन आप बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते और थोड़ा सा लेट जल्दी बता सकते हो। और बच्चे हमने ये कहा था कि अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, आरएस फैक्टर, और आरएस फैक्टर के बाद हम बताएंगे कौन सा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है कौन सा बी पॉजिटिव। तो ध्यान दें बच्चे, तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे क्या, आरएस फैक्टर। बच्चे कई बार आपने सुना होगा आरएस फैक्टर या आरएस कारक के बारे में। क्या होता है ये आरएस फैक्टर, क्या होता है ये आरएच फैक्टर, बच्चे ध्यान दें। तो मैं अगर इस आरएच फैक्टर की बात करूं तो बच्चे इसकी खोज एक महान वैज्ञानिक, मैं कहूंगा उसे वीनर, क्या बच्चे वीनर। तो सर आरएच फैक्टर की खोज एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, महान मैं इस अर्थ कहूंगा बच्चे क्योंकि इसने महानता वाला कार्य किया था, तो मैं इसे महान कह रहा हूं कि सर ये जो वीनर है, इस वीनर नामक वैज्ञानिक ने सर एक बंदर होता है रीसस मंकी, कौन सा मंकी, रीसस, ये रीसस बंदर होते हैं। अब ललका ललका नहीं देखते तुम लोग छतों पे अपने ललका करिक्का वाले, नहीं बच्चे, तो ये एक बंदर है रीसस बंदर। इन बंदरों को पकड़ा और बंदरों से कहा प्लीज कम हियर, यहाँ आओ और मैं तुम्हारे खून को जांचूंगा, तो बंदरों ने कहा ठीक है सर, हमारे अपने खून को जांच करवा रहे हैं और प्लीज जांच करके रिपोर्ट भी दे दीजिएगा। तो ऐसे में इस वीनर ने क्या किया बच्चे, रीसस बंदरों के ब्लड के सैंपल यानी ब्लड को लिया और क्या किया बच्चे, इस ब्लड को सूक्ष्मदर्शी से देखा। अब बच्चे क्या इन्हें दिखाई दिया, आइए देखते हैं बच्चे। तो जब वीनर ने रीसस बंदरों के ब्लड के सैंपल को सूक्ष्मदर्शी से सर देखा तो क्या दिखाई दिया और किस आधार पे इन्होंने ब्लड का पूरा परिभाषा ही बदल दिया बच्चे, आइए देखते हैं। तो इन्होंने देखा इस शीशे के स्लाइड पे बंदर का ये खून जो है इसको रख करके फैलाने से बच्चे जल्दी दिखता है, देखा। तो सर इन्होंने देखा कि ये क्या, इतनी की ये तो क्या है बच्चे, ये तो आरबीसी है, बंदरों का खून भी लाल होता है बच्चे, आपको मालूम नहीं है, परसों एक बंदर को देखा था आपने, तो ये आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर ये क्या, ये तो ए के समान है यानी एंटीजन ए है, ये क्या बच्चे, एक और एंटीजन। तो उसने देखा ये तो बंदरों का खून और इंसानों का खून लगभग मिल रहा है, यानी बंदरों में भी आरबीसी के ऊपर ये एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीजन ए जैसा प्रोटीन पाया जाता है। और कहा कि सर बंदर भी क्या होते हैं, बंदर भी ए ग्रुप वाले होते हैं। फिर दूसरे बंदर को भी बुलाया, कहा भाई तू भी अपना ब्लड का सैंपल दे दे, मैं भी तेरा खून जांच लेता हूँ, ठीक है सर मैं भी दिखाता हूँ। तो ये दूसरे वाले बंदर के ब्लड के सैंपल को सूक्ष्मदर्शी से देखा तो दूसरे वाले में क्या दिखाई दिया, अरे सर दूसरे वाले में तो ऐसा कुछ दिख रहा है, यानी सर बंदर भी क्या होते हैं, बंदर के भी आरबीसी पर, आरबीसी समझ रहे बच्चे, रेड ब्लड सेल्स पर, तो बंदरों के आरबीसी पर सर ऐसा लेटर दिख रहा है। अगर इन दोनों लेटर को बच्चे मैं ऐसे कर दूं तो ये क्या बच्चे, बी, यानी बंदरों में भी बी, बंदरों के इस आरबीसी पर जो एंटीजन यानी प्रतिजन वो कौन सा बच्चे, बी है, यानी बंदरों में भी बी ब्लड ग्रुप पाया जाता।
तो ऐसे ऐसे बच्चे 2-3 बंदरों के ब्लड के सैंपल को लिया। और इसी नाते बच्चे मैं इन्हें महान कहता हूँ कि भाई देखो, इंसानों का ब्लड सैंपल लाना आसान है, लेकिन बंदरों को पकड़ना और उससे खून मांगना भाई तो सोच लो तुम्हारे लिए कितना खतरे वाला काम है। तो ऐसे में इन्होंने बंदरों में भी देखा कि सर बंदरों में भी ए ब्लड ग्रुप है, बंदरों में भी बी ब्लड ग्रुप है। लेकिन बच्चे एक बात बता रहा हूँ आपसे, शाम का समय था और बेचारे ये जो विनर है परेशान थे, ये कैसे हो सकता है। आखिर उन्होंने अपने इस प्रयोग को, इस शीशे के स्लाइड को बच्चे एक बार दोबारा देखा। तो 2 दिन बाद इन्होंने अपने इसी सैंपल को जब ध्यान से देखा और नजदीक से देखा, ऑब्जर्वेशन किया बच्चे, तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद बच्चे इनको इस पे ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिख रहा है। ये तरीके ये क्या है, डर गए वो कि मैंने देखा था उस पे ए है, लेकिन ये क्या है, यानी उस पे ऐसी संरचना दिख रही है, ऐसी संरचना जानते बच्चे, ऐसी संरचना। अब बीनर को लगा भाई बंदर तूने मेरे साथ कुछ धोखा किया है, तू कुछ और ही है। तो जब इन्होंने अपने इस प्रयोग को दोबारा सूक्ष्मदर्शी से और बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया, देखा बच्चे, तो सर उनको इसी ए के बगल में एक और प्रोटीन का स्तर दिखाई दे रहा, और प्रोटीन का स्तर दिखाई दे रहा। तो चूंकि बच्चे जो ये प्रोटीन का स्तर दिख रहा है, इसी के आधार पे इन्होंने कह दिया ये बंदर क्या है, आरएच पॉजिटिव। क्या बच्चे, आरएच पॉजिटिव। तो याद रखो कि जिस भी इंसान में या बंदर में, बंदरों की संतान तो सब है आपको मालूम बच्चे, मैंने पढ़ाया था रामा पिथेकर से पढ़ाया था आपको। तो जिस भी इंसान के आरबीसी में, ब्लड के आरबीसी पर ऐसा प्रोटीन पाया जाए वो सर क्या है, आरएच पॉजिटिव। और बच्चे सबसे बड़ा आश्चर्य मैं बताऊं कि बच्चे सोच लो कि आपके एनसीईआरटी ने दिया है, एनसीईआरटी ने कि सर 80% लोग क्या है, आरएच पॉजिटिव। लेकिन बच्चे आई थिंक मेरा ये माना नहीं है, अगर मेरा डाटा देखो बच्चे तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चे 90-95% लोग बच्चे क्या होते हैं, आरएच पॉजिटिव। इंसानों में क्या है, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए बच्चे कि सर पूरे वर्ल्ड में 90-95% लोग क्या है बच्चे, आरएच पॉजिटिव। क्यों है सर, क्योंकि उनके आरबीसी पर ऐसा ये प्रोटीन पाए जाने के कारण उनको बोल दिया क्या, आरएच पॉजिटिव। बातें तो समझ में आ रही है कि सर जिस पे यह प्रोटीन पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सर आरएच पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, आरएच पॉजिटिव। लेकिन सर जिसमें यह प्रोटीन ना पाया जाए, जैसे कि मैं ये बी वाला देख लूं, बी में, सर बी में इसके आरबीसी पर केवल बी वाला एंटीजन है लेकिन सर कोई प्रोटीन नहीं है, तो मैं क्या बोलूं सर इसको, तो सर मैं इसको क्या बोल दूं, आरएच निगेटिव। क्या बोल दूं बच्चे, आरएच निगेटिव। तो बच्चे ध्यान दो, अगर आरबीसी पर सर ये प्रोटीन पाया जाएगा, ये प्रोटीन, तो सर मैं इसको क्या बोलूंगा, आरएच पॉजिटिव। और सर अगर आरएच पॉजिटिव है तो मैं इसको और क्या बोल सकता हूं सर, तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या, ए पॉजिटिव। क्या बोलना बच्चे, ए पॉजिटिव। और अगर बच्चे इसी ए पर ऐसे हैं और क्या सर ये प्रोटीन नहीं है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को क्या बोलूंगा बच्चे, ए निगेटिव। क्या बोलूंगा बच्चे, ए निगेटिव। तो याद करो बच्चे, ए निगेटिव बोल दो या बच्चे इसको बोल दो क्या, आरएच निगेटिव। तो याद करो बच्चे, जिसमें प्रोटीन पाया जाएगा तो सर मैं उसको क्या बोलूंगा, आरएच पॉजिटिव। अगर प्रोटीन नहीं पाया जाएगा सर, आरएच निगेटिव या ए निगेटिव। प्रोटीन पाया गया, ए पॉजिटिव, प्रोटीन नहीं पाया गया, ए निगेटिव। बी में सर प्रोटीन नहीं पाया गया, आरएच निगेटिव, या बच्चे मैं इसको बोल दूं क्या, बी निगेटिव। ऐसे ही अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप मान लो, जैसे मैं यहाँ इसको इसी बना दे रहा हूँ, अगर ऐसे है सर, ऐसे है,
ए है, तो सर ए ए भी ब्लड ग्रुप है, सर प्रोटीन नहीं है तो मैं इसको क्या बोलूँ सर, ये तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तब भी तब ये बच्चे ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और सर तब मैं इसको क्या बोलूँगा सर, आर एच निगेटिव। तो बच्चे ध्यान दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिर से एक बार बता रहा हूँ बच्चे आपको कि यहाँ पे, यहाँ एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको बस एक चीज़ याद रखना है, मैं बता रहा हूँ फिर से। तो यहाँ बच्चे याद रखो कि सर यहाँ पे अगर ये आर बी सी पर सर ये है ब्लड ग्रुप ए, तो यहाँ पे सर अगर ये प्रोटीन है, ये क्या है प्रोटीन है, तो सर प्रोटीन है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, सर आर एच पॉजिटिव, क्या बोलूँगा बच्चे, आर एच पॉजिटिव, और ब्लड ग्रुप कौन सा है ए, तो मैं इसको क्या बोल दूँ, ए पॉजिटिव। अगर सर यही फिगर मैं ऐसे बना दूँ, क्या इसमें प्रोटीन दिख रहा है बच्चे, क्या प्रोटीन दिख रहा है आपको, सर प्रोटीन नहीं दिख रहा, तो मैं इसको क्या बोलूँगा सर, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव या आर एच नेगेटिव। तो ऐसे बच्चे तुम आसानी से लिख लो ए बी ओ। अगर सर यहाँ पे ये आर एच पॉजिटिव हैं, क्या है आर एच पॉजिटिव यानी प्रोटीन पाया जा रहा है, तो सर मैं इसको लिख दूँ क्या, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव। और सर अगर इनके ऊपर प्रोटीन नहीं है तो मैं इसको लिख दूँ क्या सर, आर एच निगेटिव यानी ए निगेटिव बी निगेटिव ए बी निगेटिव और क्या बच्चे ओ निगेटिव। तो बच्चे आई थिंक आप मैंने समझ लिया होगा कि सर आर एच फैक्टर क्या है, और आर एच फैक्टर के ही आधार पे सर हमने क्या किया, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव। तो जिसमें सर ये प्रोटीन पाया जाएगा वो पॉजिटिव में रहेंगे, आर एच प्लस रहेंगे, और जिसमें ये प्रोटीन नहीं पाया जाएगा सर वो क्या रहेंगे, आर एच निगेटिव। जैसे सर यहाँ पे ए निगेटिव बी निगेटिव ए बी निगेटिव ओ निगेटिव। अब बच्चे एक क्वेश्चन आता है आपसे कि बच्चे देखो, अब आपने अपने मोहल्ले में देखा होगा कि किसी किसी मदर के, यानी कोई माँ ऐसी है जिसका एक ही बच्चा है, आपके आसपास मोहल्ले में ऐसे बहुत से मतलब परिवार होंगे, या मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे, किसी मोहल्ले में या किसी गांव में एक दो दस या दो एक दो चार लोग ऐसे होंगे कि सर जिसके क्या है एक ही बच्चा पैदा हुआ, और एक बच्चे के बाद वह लेडीज़ कई बार प्रेग्नेंट हुई लेकिन दोबारा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो सर ऐसा क्या हो गया कि दोबारा कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, कि बच्चा गर्भ ही मर गया? तो बच्चे उस केस को मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले क्लास में, और उसको कहते हैं क्या, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। तो ये बच्चे ये लेक्चर में अगले क्लास में बताऊंगा कि क्या होता है सर कि एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस, कैसे किसी माँ का एक ही बच्चा पैदा होने के बाद दोबारा वो माँ नहीं बनती है, बार बार बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। तो मैं इसको बच्चे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा, और मैं एक बार फिर से इसको दोहरा दूं, आर एच फैक्टर क्या है, तो इसकी खोज बच्चे ने की, वीनर ने रिसस बंदर में ब्लड के सैंपल को जांच किया, सूक्ष्मदर्शी देखा, और देखा बच्चे कि उसके आरबीसी पर एक अतिरिक्त प्रोटीन ये पाया जाता है, तो जिसके अंदर पाया गया बच्चे उसे क्या बोला, आर एस पॉजिटिव, और बच्चे इसी के आधार पर उन्होंने क्या बोला, ए पॉजिटिव, अगर नहीं होता बच्चे तो मैं क्या बोलता, ए निगेटिव। तो ऐसे में बच्चे आप आसानी से आप किसी के खून की जांच कर सकते हो और बता सकते हो सर कि कौन सा ए पॉजिटिव है, कौन सा ए निगेटिव, कौन सा बी पॉजिटिव, कौन सा बी निगेटिव है। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे किसी माँ का एक ही बच्चा पैदा होने के बाद दोबारा वो माँ नहीं बन पाई, उस केस को क्या बोलते हैं और उसके उपाय क्या हैं। तो बच्चे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, ओके।